नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं विशाल आर्य, फिजिक्स फैकल्टी एट कोटा कैरियर पॉइंट कुचामन सिटी, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स बाय विशाल आर्य, फिजिक्स फैकल्टी विशाल आर्य। अब तक के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर्स थे उनमें हमने पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर जो ट्वेल्थ का हमने स्टार्ट किया था विद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसमें हम बात कर चुके थे किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाए, आवेशित करने पर वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे बेटा, जो टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, ठीक है। वापस से वही चीज है, आवेशन की विधियां मतलब कि किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाए। तो इतना तो हमें पता है, क्या हमें पता है कि मान लो बेटा ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है, अगर धन आवेशित करना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, और अगर ऋणावेशित करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ने पड़ेंगे। मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का, वस्तु में से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, ठीक। अब एक चीज यहां पर आती है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करे तो करे कैसे, क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई वस्तु है, हमने एक चिमटा लिया, वो चिमटे से पकड़ पकड़ के से इसमें से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अरे समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से हम बाहर निकालेंगे ये चीज अपने को देखनी, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां पे जो आवेशन की विधियां जो मैं बता रहा हूं, इसमें बेसिकली मैं बता रहा हूं क्या, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की विधियां, वस्तु में से इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, इन विधियों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ विधियों का मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियों में पहला आता है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन, काय के द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन, इनका नाम लिख दीजिएगा घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा आता है चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। तीसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। चौथा इसमें हम लेंगे तापायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशन, ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशन। पांचवा हम इसके अंदर लेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन द्वारा आवेशन। छठा हम इसके अंदर लेंगे क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा आवेशन, ठीक है। सातवा हम लेंगे द्वितीयक उत्सर्जन द्वारा आवेशन, क्लियर बात, ठीक है। और भी मेथड्स हैं, ये कुछ मेथड्स मैंने आपके सामने यहां लिखे हैं, ठीक है। इसमें फिलहाल जो मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे सबसे पहला घर्षण द्वारा आवेशन, इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अभी इन्हें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बोला क्यों नहीं पढ़ाऊंगा सर, आपको नहीं आता क्या, भाई आता है, ठीक है, पर अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि अभी मुझे तो आता है वो तुम्हें भी समझ में आए वो जरूरी, ठीक है ना। तो तुम्हें ये तब समझ में आएगा, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, ये तुम्हें सब तब समझ में आएगा जब एक बार तुम विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा पढ़ लोगे, विद्युत क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर लोगे, ठीक है। विद्युत विभव विभवांतर धारिता, इसके बारे में जब पढ़ लोगे तो फिर ये दोनों मेथड्स क्या होंगे, क्लियरली समझ में आएंगे, ठीक है।
हालांकि बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ा मैं अभी यहां भी सकता हूँ, ठीक है, वो समझ में भी तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, बट वो तुम्हें समझ में आएगा उसमें मेरी संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है। तो मैं भी संतुष्ट हूँ इसलिए मैं इनको तुम्हें टॉपिक में बाद में पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूंगा पक्का, ये गारंटी है, ठीक है ना। तापायनिक उत्सर्जन, इनके बारे में दो दो शब्द अभी आपको क्या किए जाएंगे बता दिए जाएंगे, लड़े यहां तक बात, ठीक है। तो एक बार हेडिंग लिख लीजिए आवेशन की विधियां, और पॉज करके इसे नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी आवेशन की विधि है, लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं आवेशन की विधियों में, वो पहला मेथड हम ले रहे हैं बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। काय के द्वारा आवेशन? घर्षण द्वारा आवेशन, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो याद करो जब मैंने आवेश की परिभाषा तुम्हें बताई थी, तो उस आवेश की परिभाषा को बताते समय एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक का स्केल है क्या स्केल है बेटा, कोई प्लास्टिक का स्केल है, इस प्लास्टिक के स्केल को जब सूखे बालों के साथ जब इसे रगड़ा जाता है, सूखे बालों के साथ जब इसे रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पे हम क्या देखते हैं कि इस रगड़ के इस स्केल को कागज के टुकड़ों के पास जब लेकर के जाते हैं, तो ये कागज के टुकड़े क्या होते हैं, इससे आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने और भी कुछ बताया था, वो देख लीजिएगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हमने कहा था कि हुआ क्या, ये कागज के टुकड़े इससे क्यों आकर के चिपक गए, क्योंकि ये प्लास्टिक का जो स्केल है ये क्या हो गया बेटा, आवेशित हो गया, क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है। अरे समझ में आ रही क्या तक बात, ठीक है। वहां पे इनडायरेक्ट वे में मैंने तुम्हें घर्षण विद्युत ही पढ़ाया था, यहां पे इस प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों के साथ जब हमने रगड़ा, तो सूखे बालों के साथ जब हम इसको रगड़ते हैं, तो ये जो आवेशित हुआ, ये जिस मेथड से आवेशित हुआ वही क्या है बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो घर्षण द्वारा आवेशन को शब्दों में किस तरीके से हम मानेंगे, अच्छा एक चीज और यहां पे देखना, बाल जो है ना भाई सूखे ही होने चाहिए, ठीक है। अगर गीले बालों में या फिर तेल लगे हुए बालों में, गीले बालों में या तेल लगे हुए बालों में अगर इस स्केल को आप रगड़ेंगे और फिर कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाएंगे, तो कागज के टुकड़े उससे नहीं चिपकेंगे, क्यों नहीं चिपकेंगे, क्योंकि ये आवेशित नहीं होगा, क्लियर है बात, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा, तो उसके पीछे भी रीजन क्या है, घर्षण ही है, ठीक है। अब समझना घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, ठीक। तो पहले मैं इसे लिखा देता हूं कि घर्षण द्वारा आवेशन है क्या, ठीक है। देखो बेटा है क्या कि जब आप करेंगे क्या, दो वस्तुएं लेंगे, क्या करेंगे बेटा, दो वस्तुएं लेंगे, ठीक है। दो वस्तुएं, इनमें स्पेशलिटी होनी चाहिए कि जो दोनों वस्तु हैं, ये दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों की होनी चाहिए, ठीक है। अरे समझ में आ रही क्या बात, ठीक है। तो दो वस्तुएं लेंगे जो भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हुई होगी, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं को जब हम क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, आपस में जब हम करते क्या बेटा, रगड़ते हैं, ठीक है। तो रगड़ने पे होता क्या है, ये हो गई वस्तु एक और ये हो गई वस्तु दो, ठीक है। जब आपस में हम इन्हें रगड़ेंगे तो रगड़ने पे होगा क्या, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। आवेशन की जो प्रक्रिया है इसे ही घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है, समझ में आती है यहां तक बात, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखो एक चीज ध्यान से समझना, किसी भी वस्तु में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मान लो जैसे मैं कहूं कि कोई वस्तु है, देखो वस्तुएं भी दो प्रकार की अपन कहें, ठीक है, वैसे ऊपर ऊपर तौर पर अगर अपन बात करें चालकता के आधार पर, चलो छोड़ो उसको डिटेल में इतना नहीं जाते हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करके तुम्हें जो है मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है, आराम से समझना एकदम। देखो तो
तो हम कहे रगड़ने पे ऐसा क्या हुआ? देखो एक चीज ध्यान से समझना, कोई भी वस्तु है, इस वस्तु में से अगर आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को चाहिए होती है ऊर्जा। कई चीज की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है हमें किस चीज की? ऊर्जा की। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अगर इसके परमाणु में है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की आकर्षण बंद, नाभिक की आकर्षण से क्या होगा? बंधा हुआ होगा। समझ में आती है बात? ठीक है, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहां से क्या करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या? ट्रांसफर करनी पड़ेगी इसको, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? ठीक है, तभी ये नाभिक के आकर्षण से, आकर्षण बंध से मुक्त होकर के क्या हो पाएगा? बाहर निकल पाएगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, और डिटेल में आगे अपन चर्चा करेंगे, फिलहाल मोटे तौर पर समझिए। अब होता क्या है कि जब दो भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को जब हम करेंगे क्या, रगड़ेंगे, जैसे आप एक प्रैक्टिकल खुद ही करते हैं गर्मियों के टाइम, सर्दियों के टाइम सॉरी, जब हाथों को जब ठंड लगती है तो हम हाथों को क्या करते हैं, इस तरीके से रब करते हैं। तो रब करने पे क्या होता है? गर्माहट पैदा होती है, उष्मा पैदा होती है। उष्मा क्या? ऊर्जा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो इसी तरीके से जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य क्या होता है बेटा? घर्षण, खुरदरेपन की वजह से। ठीक है, घर्षण के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? रगड़ने के लिए कार्य करना पड़ता है, वो कार्य उष्मा में रूपांतरित होता है। ठीक है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो ऊर्जा वहां उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के नाभिक के बंधन से मुक्त होकर के कहां आ जाता है बेटा? बाहर आ जाता। अरे समझ में आ रही यहां तक बात? ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। समझ में आ रही यहां तक बात? ठीक है, तो घर्षण विद्युत क्या है, एक बार फिर सुन लीजिए कि जब दो वस्तुएं जो कि भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि वस्तुएं जो हैं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हुई होनी चाहिए। समझ में आती है आपको? ऐसा क्यों, अभी समझेंगे आगे। ठीक है, इन्हें जब आपस में रगड़ेंगे तो वहां उष्मा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो ऊर्जा जो वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मिलेगी, इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बंधन से मुक्त होकर के बाहर आ जाएंगे, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, तो जो त्यागेगी उस पर धनावेश आएगा और जो ग्रहण करेगी उस पर ऋणावेश आएगा। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक है, आवेशन की जो विधि है जिसमें दो वस्तुओं को अपने क्या किया, रगड़ा, आवेशन की इस विधि को ही हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लीजिए, लिखिए, जब दो भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। लिखा, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इस प्रकार एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, आवेशन की इस प्रक्रिया को ही घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखना, घर्षण द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, या आप बोल लीजिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, लिखिए, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हुई होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हुई होनी चाहिए, ऐसा क्यों भी देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देखना, दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि इसमें अपन ने क्या किया, वस्तु नंबर ये है एक, और ये हो गई हमारे पास वस्तु नंबर दो।
समझ में आ रही है आपके पास? ठीक है, इन दोनों को जब हमने क्या किया आपस में, परस्पर इनको हमने रगड़ा, परस्पर रगड़ा, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो परस्पर जब हमने इनको रगड़ा तो रगड़ने पे क्या हुआ, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। मान लो पहली वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, कितने त्यागे, मान लो एन इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो दूसरी वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए भाई, एन इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किए। अब जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक, तो पहली वस्तु पे जो आवेश आया Q1 वो होगा पॉजिटिव, और कितना होगा, एक निकालोगे प्लस ई, दो निकालोगे प्लस टू, एन निकालोगे तो प्लस का एन ई, कितना आवेश आएगा पहली वस्तु पे, प्लस एन ई, और दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जितने उसने त्यागे उतने ही ग्रहण किए, सही है ना? ठीक है, तो दूसरी वस्तु पे कितना आवेश आएगा, उसने ग्रहण किए तो माइनस, कितने एन ग्रहण किए तो कितना आएगा, माइनस का एन ई। अब देखो साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि घर्षण द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों वस्तुओं पे जो आवेश आता है वो परिमाण में कैसा होता है, समान, और प्रकृति में कैसा होता है, विपरीत। एक पे प्लस तो दूसरे पे, स्पेशलिटी क्या है, एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही माइनस। ठीक है, तो लिखिए इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर परिमाण में तो कैसा आवेश आएगा, आवेश जो आएगा वो परिमाण में कैसा होगा, समान, और प्रकृति कैसी होगी, विपरीत, कैसी होगी, विपरीत। लिखिए इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन तीसरा। अब एक चीज और ध्यान से समझना, इस प्रक्रिया में ऋणावेश उस वस्तु पर आता है जिसकी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऋणावेश किस पर आएगा, ऋणावेश उस वस्तु पर आता है जिसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षण की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षण की जो प्रवृत्ति है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उस पर कैसा आवेश मिलेगा, ऋणावेश। ठीक है, क्योंकि देखो हुआ क्या, दोनों वस्तुओं को जब आपने रगड़ा तो रगड़ने पे क्या देखने को मिला, ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो दोनों वस्तुओं के इलेक्ट्रॉनों के पास गई, दोनों के इलेक्ट्रॉन लूज हुए। क्लियर है यहां तक बात, एनर्जी दोनों को मिली तो लूज डीले दोनों के इलेक्ट्रॉन पड़े। ठीक है, अब होगा क्या भाई, इसकी भी, इसको इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, इसकी इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, तो इस इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में जो कश्मकश है उसमें जीतेगा वो जिसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक है, तो ऋणावेश उस वस्तु पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षण की प्रवृत्ति क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा। लिखिए तीसरा पॉइंट, ऋणावेश उस वस्तु पर आता है, ऋणावेश उस वस्तु पर आता है जिसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षण की प्रवृत्ति, ब्रैकेट में लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है। समझ में आती है तक बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है, अरे लिख लिया ना। ठीक है, अच्छा एक चीज चौथा पॉइंट और लिखा देता हूं कि ये जो घर्षण द्वारा आवेशन है ना बेटा, ठीक है, इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। क्या भी बोलते हैं इस प्रक्रिया को, घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ये भी लिख लीजिए, इस प्रक्रिया को घर्षण विद्युत भी कहते हैं, इस प्रक्रिया को घर्षण विद्युत भी कहते हैं, लिख लिया। ठीक है,
तो ध्यान रखना इसकी विशेषता क्या है कि दोनों वस्तुएं जो है भिन्न भिन्न पदार्थों की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये चीज देखी होगी आपने, जैसे ये मार्कर है, दोनों को अगर आपस में मैं रगड़ता हूँ, ठीक है, रगड़ के अगर कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाऊं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? कागज के टुकड़ों को क्यों नहीं खींचेंगे वो अपनी तरफ? क्योंकि उनमें आवेशन नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ आवेशन? वापस से वही देखना। अब ये जो पहला है इस चीज का मैं रीजन तुम्हें देता हूँ, ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थों से क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर भिन्न भिन्न पदार्थों से नहीं बनी होगी, समान पदार्थ से अगर बनी होगी तो दोनों की इलेक्ट्रॉन आकर्षण प्रवृत्ति क्या होगी? सेम। और दोनों की इलेक्ट्रॉन आकर्षण प्रवृत्ति अगर सेम है तो फिर दोनों बराबर तरीके से क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे की तरफ खींचेगी, तो कोई आवेशित नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? भिन्न भिन्न पदार्थों की होनी चाहिए, ताकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी विद्युत उनकी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति में क्या रहे? अंतर रहे। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। दूसरा है वस्तुओं पे जो आवेश आएगा वो परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही क्या आएगा? माइनस। माइनस उस पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होगी, और इस प्रक्रिया को घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। बात समझ में आती है? अरे क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, मिटा दूं। ठीक, अब देखो इस घर्षण विद्युत के अंदर एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूं। हालांकि जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि मान लो आपके पास क्या है? कांच की छड़ है बेटा। क्या है? कांच की छड़, ठीक है ना। ये आपके पास एक कांच की छड़ है ना, ये कांच की छड़, ठीक। और एक है अपने पास यहां पे क्या? एक है रेशम का रुमाल गले में डाल के, है ना, तू आ जाना कहीं भी मत आना भाई, ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है। यह है रेशम का कपड़ा, ठीक है। तो इस कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जो कांच की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और जो रेशम का कपड़ा है वो क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कांच की छड़ हो जाती है धन आवेशित और रेशम का कपड़ा उतने ही परिमाण से क्या हो जाता है? ऋण आवेशित, ठीक है। तो जैसे यहां पे एक जोड़ा अपन ने बनाया कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का, ऐसे कई जोड़े बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अब ये तुम्हें बुक में एक टेबल बनी हुई मिलेगी, उसमें ये बताया जाएगा किसको किसके साथ रगड़े तो कौन धन आवेशित कौन ऋण आवेशित। अब हालांकि जो है वो तुम्हें रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। लिखो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा उतने ही परिमाण से ऋणावेशित हो जाता है, उतने ही परिमाण से ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। अब देखो स्पेशलिटीज में जो एक पॉइंट मैंने तुम्हें बताया कि ऋणावेश उस वस्तु पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या होगी ज्यादा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन है ऐसा कि दो तीन वस्तुएं हैं, तीनों भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी है, तीनों के पदार्थ भिन्न भिन्न है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। तीन वस्तुएं हैं ए बी सी, अनीता बसंती और चंपा, ठीक है। पहले क्या हुआ भाई? ए और बी को परस्पर रगड़ा। किसको? ए और बी को परस्पर रगड़ा। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि ए और बी को जब आपस में रगड़ा तो ए पे आया धनात्मक आवेश, ठीक है, और जो बी है इस पर आया बेटा ऋणात्मक आवेश। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। इसके बाद क्या किया? बी और सी को परस्पर रगड़ा, है ना, बी और सी को परस्पर रगड़ा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि बी पर आया धनात्मक आवेश और जो सी है उस पर आया ऋणात्मक आवेश। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ए और सी को रगड़ता हूं, किस किस को रगड़ता हूं? ए और सी को, ठीक है। तो आपको बताना है ए पर किस प्रकार का आवेश आएगा और सी पर किस प्रकार का आवेश आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए, पॉज कर लीजिए और सोचिए। चलो क्वेश्चन भी लिख लो साथ के साथ, फिर जवाब देता हूं। लिखो पहले क्वेश्चन, लिखो देखो, दो वस्तुएं ए व बी को परस्पर रगड़ने पर ए पर धनावेश तथा बी पर ऋणावेश प्राप्त होता है,
इसी प्रकार बी व सी को रगड़ने पर बी पर धनावेश व सी पर ऋणावेश प्राप्त होता है। लिखो तो यदि ए व सी को परस्पर रगड़ा जाए तो इन पर आवेश की प्रकृति बताइए। सोच लिया सबने? ठीक है, चलो देखते हैं, सब अपने आंसर चेक कीजिए किसका सही आया किसका गलत। जिसका सही आया बहुत बहुत बधाई, जिसका गलत आया उसे ऑल दी बेस्ट, नेक्स्ट टाइम सही करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशन में कि ए और बी को जब हमने आपस में रगड़ा, ठीक है, तो क्या देखने को मिला कि ए पे जो आवेश आया वो आया धनात्मक और बी पर कैसा आया बेटा ऋणात्मक। और ये हमें अच्छे से पता है, ऋणात्मक आवेश उस पर आता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। बी पे ऋणात्मक आवेश आया, इसका मतलब बी की इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बोलो ए पे धन आवेश आया इसका मतलब ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी से क्या है, कम है। समझ में आती है तक बात? ठीक है, इसी प्रकार जब बी और सी को हमने आपस में रगड़ा तो बी पे कैसा आया बेटा धनात्मक, सही है ना, और सी पे कैसा आया ऋणात्मक। इसका मतलब बी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे कम है, सी से कम है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर ए व सी को आपस में रगड़ा जाए, ए व सी को आपस में रगड़ा जाए, ठीक है, तो ए और सी पे कैसा आवेश आएगा। तो इसको बोल लेते हैं अपन, ये हो गया रिलेशन नंबर वन, और इसको बोल लेते हैं अपन रिलेशन नंबर टू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए का बड़ा भाई है बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में, ठीक है, ए से बड़ा कौन है बी और बी से बड़ा कौन है सी, तो ऑब्वियसली बात है ए सी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे फ्रॉम रिलेशन वन एंड टू, ठीक है, वी गेट, क्या पता लग रहा है अपने को संबंध एक व दो से, क्या पता लगता है, देखो क्या पता लग रहा है कि जो ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सी से क्या होगी, कम होगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो बताओ ए और सी को रगड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा, बोल बोल बोल, सी की ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा उस पर कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश, तो ए पे कैसा आएगा धनात्मक और सी पे कैसा आएगा ऋणात्मक। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट मेथड अपना हो जाता है, लिख लीजिए इसको पोज करके। ठीक है, चलो तो ये हमारा पहला मेथड हो गया, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन और प्रेरण द्वारा आवेशन हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अब हम आते हैं किसके द्वारा आवेशन, तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा। तो सेकंड मेथड जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं कौन सा, इसे मत लिखना बस समझ लो, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा, ये नाम के तौर पर मैंने लिखा दिया। ठीक है ना, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा लिखना नहीं है भाई, घर्षण द्वारा डिटेल में लिखना था बस। ठीक है, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा कैसे, देखो तो हम कहेंगे क्या कि मान लीजिए कि कोई धातु है, ठीक है, लोहा सोना चांदी तांबा कोई सी भी धातु हो सकती है। ठीक है, धातु में क्या होता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना, जैसे ये 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 इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा की वजह से इधर उधर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, हर समझ में आ रही के बाद। ठीक है, ये ताप की वजह से इनके पास एनर्जी होती है, पर इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि धातु में से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, अब किसी बाह्य स्रोत से अगर आप इन्हें क्या कर दें, एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से धातु में से उत्सर्जित किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, समझना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, अगर धातु को उच्च ताप तक गर्म किया जाए, ठीक है, धातु को क्या करेंगे अपन, उच्च ताप पर इसको गर्म करेंगे बेटा। ठीक है, तो उच्च ताप पे गर्म करने पे इस धातु में से जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां निकल आते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आ जाएंगे तो धातु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। समझ में आती है यहां तक बात? ठीक है, तो इस तरीके से धातु को हमने धनावेशित कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज करके, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दिया टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो इस विधि को हम कहते हैं क्या, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेश। समझ में आ रही है यहां तक बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगला आता है ताप, ये लिखना नहीं है, ठीक है ना, बस समझ लो इसे, है ना।
नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास प्रकाश विद्युत उत्सर्जन द्वारा, पदार्थ विद्युत, सॉरी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन द्वारा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन द्वारा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई भी धातु होगी, ठीक है, इस धातु पे जब हम वापस से वही चीज धातु है, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन से मुक्त, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने को बाहर निकालना है, तो जब इसके ऊपर क्या किया जाएगा एक निश्चित आवृत्ति जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, आगे पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जब इसके ऊपर प्रकाश बोल लो या फिर बोल लो विकिरण, एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण जब डाली जाएगी तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब इसमें से चले जाएंगे तो धातु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। आवेशन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन द्वारा आवेश। समझ में आती है यहां तक बात, ठीक है, अरे क्लियर है बेटा, है ना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगला जो था वो था क्षेत्र उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है, तो क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा आवेशन, क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा आवेशन, इसके बारे में हम बात करें तो क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा आवेशन में क्या होता है समझना। मान लो हमारे पास ये कोई धातु है, अरे समझ में आ रही क्या बात, ठीक है, ये हमारे पास कोई धातु है और इस धातु पे अगर हम उच्च तीव्रता का, इस धातु पे अगर हम करते क्या बेटा, उच्च तीव्रता का अगर विद्युत क्षेत्र इस पे हम आरोपित करें, उच्च तीव्रता का विद्युत क्षेत्र, उच्च प्रबलता का विद्युत क्षेत्र जब इस पे हम आरोपित करते हैं, ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं उच्च तीव्रता का क्या आरोपित किया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो जब उच्च तीव्रता का विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर आरोपित किया जाता है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे तो वस्तु धातु कैसे हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, धनावेशित, ठीक है। आवेशन की जो प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं क्या, क्षेत्र उत्सर्जन द्वारा आवेशन। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करें तो आता है द्वितीयक उत्सर्जन। कौन सा उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन द्वारा आवेशन, ठीक है। तो द्वितीयक उत्सर्जन द्वारा आवेशन में क्या होगा, अगर बचपन में तुमने कंचे खेले हो तो एक गेम खेला होगा जिसमें करते क्या थे, इस तरीके से कंचे रख दिए जाते थे, ठीक है ना, ऐसे कंचे रख दिए, जमा देते थे। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। और इन कंचों पे क्या किया जाता था, फिर मान लो कोई भी बालक है जैसे ये है, ठीक है, ये क्या करेगा, कंचों से इस पर अटैक करता था, ठीक है, जिस कंचे को मारता था वही कंचा, जिस कंचे को इसमें से निकाल देता था वही उसका हो जाता था, और बीच वाले को मारता था सारा इसके हो जाते। अरे समझ में आ रही यहां तक बात, ठीक है। तो जैसे मान लो इसने क्या किया, इस कंचे को हिट किया, ठीक है, इस कंचे को हिट किया तो ये कंचा क्या हुआ, यहां से बाहर निकल गया। अरे समझ में आ रही यहां तक बात, ठीक है, अरे बोलो यार, ठीक है, इसी को बोलते हैं द्वितीय उत्सर्जन। क्लियर है बात, ठीक है। जैसे यहां पे क्या किया, कंचे से कंचा निकाला, कैसे निकाला, ये जो कंचे यहां पड़े इनकी एनर्जी के लोग, ठीक है, और ये जो कंचा है इसकी, इसको क्या किया, हाई एनर्जी के साथ उस पर फेंका, ठीक है, तो जाकर के जब वो उससे टकराया, अपनी एनर्जी क्या करी, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उसको दिया और उसको भी क्या किया, साथ में लेकर के आ गया। समझ में आती है यहां तक बात, ठीक है। तो द्वितीय उत्सर्जन में आपको करना क्या है, हमें पता है कि धातु जो है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और तापीय ऊर्जा, मतलब उनके पास भी एनर्जी होती है बट इतनी नहीं होती है कि वो धातु की सतह से क्या हो सके, बाहर निकल पाए, ठीक है। तो अगर इस पर हम करते क्या है, उच्च ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन पुंज या उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की अगर हम इस पे बोछार करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जाकर के क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, ठीक है, और जब इन इलेक्ट्रॉनों से जाकर के टकराएंगे तो इन्हें भी क्या करके लेके आ जाएंगे बेटा, ये कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे और वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेश। समझ में आती है यहां तक बात, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन द्वारा आवेश। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो आज हमने बात करी, अभी तक जो हमने बात की वो क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन अपन ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद के जो चार मेथड तुमने, मैंने तुम्हें बताया, तापायनिक उत्सर्जन में गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण डाल के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा क्षेत्र उत्सर्जन में उच्च प्रबलता का विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, द्वितीय उत्सर्जन में उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बोछार करके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेंगे। अरे समझ में आ रही क्या, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी क्या बेटा, आवेशन की विधि। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।